हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। कहानी सुनाता हूं आपको। मैं सुना रहा था सत्यव्यास की लिखी कहानी दिल्ली दरबार। यह है उसका तीसरा भाग। कहते हैं नाम के 10वें अंश का असर व्यक्ति के चरित्र पर पड़ता है। गलत कहते हैं। यदि ऐसा होता तो बीरबल बल के लिए जाने जाते, बुद्धि के लिए नहीं। उन्होंने कौशल का प्रेरणा रण छोड़ना कहा जाता। जॉन वुडकॉक पॉलिटिशियन ना होकर प्लेबॉय होते। भगत सिंह नास्तिक ना होकर आस्तिक होते। कर्नल सिंह खेतों में ट्रैक्टर के बजाय फौज में ऑर्डर चलाते। और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब खुद शेर होते, शेर ना पड़ते। और परिधि की खुद परिधि होती, परिधि बटुक शर्मा की इकलौती। इकलौती से ये संदेश ना जाए कि कोई लखपति खानदान की नकचड़ी। इकलौती इस वजह से कि परिधि के जन्म के बाद ईश्वर ने ही पूर्ण विराम लगा दिया। बच्चा और बच्चेदारी दोनों निकालनी पड़ेगी। बटुक शर्मा मायूस हुए हों ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन दिनों उन्हें अक्सर ये कहते सुना जाता है कि बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है और एक दिन यही बेटी उनका नाम रोशन करेगी। और बेटी ने पहली दफा नाम रोशन किया 6ठी क्लास में, जब उसने कूड़ा फेंकने को लेकर हुए माँ और पड़ोसन के झगड़े में पड़ोसन के सिर पर गमला गिरा दिया। पड़ोसन फूटा सिर लिए अस्पताल भागी। झगड़ा तो निपट गया मगर झमेला बढ़ गया। फौजदारी हुई। दरोगा जी ने आते ही पूछा किसकी कारिस्तानी है। बटुक शर्मा तत्काल बचाव में आए। कारिस्तानी? हम कारिस्तानी क्यों होने लगे सर, हम हिंदुस्तानी है। गांव झटोला, तहसील बयाना, जिला भरतपुर। दरोगा ने पागलों से उलझने के बजाय 1000 लेकर निकलने में ही अकलबंदी समझी। 7वीं क्लास में बीबी पर इंडियन आइडल बनने का जिन सवार हो गया, दूसरा कोई सपना ही नहीं। बटुक शर्मा भी बेटी में ही अपने सपनों का संसार देख रहे थे। वो तो सपना तब टूटा जब फर्जी प्रोडक्शन कंपनी वाला 51000 लेकर इंडियन आइडल की जगह इडियट आइडल बनाकर चंपत हो गया। 51000 और सपनों का संसार दोनों डूब गए। बीबी 8वीं क्लास में थी जब शादरा वाले फूफा जी घर आए। दिल्ली में भी धोते कुर्ता पहनने वाले फूफा जी। छोटी बच्चियों को देखते ही फूफा जी की टांगों में दर्द शुरू हो जाता था। माँ घर पर नहीं थी जब फूफा जी आए। आयतन उनकी टांगों में दर्द शुरू हो गया। बेटी को दबाने के लिए कहा। दर्द तलवों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता ही गया। फूफा जी जरा ऊपर करते गए। ऐसे लोगों से निपटना माँ ने खूब सिखाया था। बड़े भोलेपन से उसने मालिश का सुझाव दिया। फूफा जी के रोए खड़े हो गए। उन्होंने प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। बीवी किचन में गई, सरसों के तेल को खूब खलाया। बहुत संभलते संभलते सरसी से गरम तेल की कटोरी पकड़े फूफा जी तक पहुंची। फूफा जी उन्माद में आंखें बंद किए पड़े थे। बीवी ने एक झटके से फूफा जी की जांघ पर कटोरी छोड़ दी। फूफा जी बिलबिला उठे। बीवी ने दोनों हाथ झटकते हुए धीरे से माफी मांगी। उप्स, सॉरी फूफा जी। 9वीं क्लास में पहली दफा कोई लड़का पसंद आ गया। क्लासमेट था और बेटी को इमरान हाशमी की तरह लगता था, मगर उस खजून ने इनके सामने ही इनकी सहेली को प्रपोज कर दिया। बीवी घर आई, दरवाजा बंद किया, अपना दुपट्टा निकाला और झूल जाने की सोची, मगर लाख कोशिशों के बावजूद फंदे की गांठ न बन सकी। हार कर दुपट्टा और आत्महत्या का विचार दोनों फेंक दिया। हाँ, कमरे में लगे इमरान हाशमी के पोस्टर जरूर फाड़ दिए। बटुक शर्मा भी खुश हुए, चलो इस नामुराद से पीछा छूटा। 10वीं क्लास में इन्होंने कुछ नहीं किया पढ़ाई के अलावा। इतना पढ़ गई कि क्लास में ही नहीं स्कूल में अव्वल आ गई। बटुक शर्मा 3 महीने तक अखबार की कतरन लिए घूमते रहे। 11वीं में थी तब दादी के देहांत पर बटुक शर्मा सब परिवार गांव गए। बीबी किसी दिन आम के बगीचे में आम खा रही थी कि तभी मुखिया जी के बेटे की मोटरसाइकिल बगीचे में रुक गए। इन्होंने आम खाते खाते उसे आंख मार दी। आम और आंख का ऐसा कॉम्बिनेशन जमा कि बेचारा आज तक इनके लिए गलत नंबर पर रोज फोन ट्राई करता है। छोटी मोटी परेशानियों को वह अपने टूटे बालों के छल्ले में बांधकर उड़ा रही थी और जिंदगी अल्लड़पने के साथ बिता रही थी कि तभी 12वीं क्लास में आ गई। इसलिए तूफान तो बीबी की जिंदगी में 12वीं में ही आया। बीबी का इमरान हाशमी लौट आया था। बीबी की सहेली ने बहुत इधर उधर की बातें की,
समझाने, भड़काने, बरगलाने की बहुत कोशिश की, मगर तब ना सहेली ने बीवी की बात सुनी थी, ना बीवी को सहेली की बात सुनी थी। बीवी का कमरा एक बार फिर इमरान हाशमी के पोस्टों से गुलजार हो गया। तूफान तब आया जब 12वीं की परीक्षा से करीब 3-4 महीने पहले बीवी और वो लड़का इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए आगरा गए। बीवी को डिबेट में भाग लेना था और लड़के को ड्रामा में। स्कूल बस तक तो सब ठीक था, मगर आगरा पहुंचते ही स्कूल ने लड़के और लड़कियों को हॉस्टल तो एक ही दिया पर अलग अलग फ्लोर पर ठहरा दिया। बीवी की उम्मीदों पर स्याही गिर गई। कहा तो वह दिल्ली से ही तैयारी करके निकली थी, क्योंकि उनका हिमराह डम्बो था और सारे प्रिकॉशन भी बीवी को ही लेने थे, और कहा यहाँ फ्लोर ही अलग कर दिया। खैर, बीवी ने मन महसूस कर डिबेट पर ध्यान लगाया और अव्वल आई। कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने इमरान को फोन किया। हेलो बेबी, लड़के ने कहा। तुमने कर दी फोन उठाने में? बेबी ने नाराजगी का नाटक किया। चैट कर तो रहा था, लड़के ने कहा। फिर बात नहीं करेगा? बेबी गुस्से में थी। सॉरी बेबी, वो लैपटॉप बंद करने में देर हो गई, लड़के ने कहा। तो फोन उठाकर भी तो लैपटॉप बंद कर सकता था, बेबी ने कहा। हाँ, मगर तब तक फोन का बिल फिजूल था, लड़के का जवाब था। मतलब पैसा मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बीवी का जवाब नहीं था। सॉरी बीवी, लड़के ने एक बार फिर हथियार डाल दिया। एक बार और बोल, बीवी ने जिद की। बीवी, लड़के ने कहा। नहीं, उसके पहले वाला था, बीवी कुछ और सुनना चाहती थी। सॉरी, लड़के ने वो कह दिया। हाँ अब ठीक है। अच्छा ये बता, आज दिन में फोन क्यों नहीं किया? क्या तो था, तेरा फोन नॉट रीचेबल बता रहा था, लड़के ने फौरन कहा। झूठ, मैं दिन भर फोन अपने पास लेकर बैठी थी, बीवी ने शोकी से कहा। जब भी तो नॉट रीचेबल था, तेरे पास तो हमेशा मैं रहता हूँ, फोन तो अनरीचेबल होगा ही, लड़के ने चौंका मारा। वेरी फनी, बीवी ने फिर शोकी भरे गुस्से से कहा। सॉरी बीवी, लड़का अपना काम पूरी तन्मयता से कर रहा था। अच्छा पता है, मुझे डिबेट में ना फर्स्ट प्राइज मिला है, बीवी ने चहकते हुए कहा। ग्रेट, लड़के ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। क्या ग्रेट, मुझे लगा तुझे पता होगा, बीवी ने फिर उदास आवाज में कहा। सॉरी बीवी, लड़के ने वही पहाड़ कहा। मेरा बच्चा खाना खा लिया? बीवी का प्यार अब वात्सल्य रूप ले रहा था। खा लिया, लड़का ये पूरी तरह काल्पनिक गोद में था। क्या खाया मेरे बेबी ने? बीवी रूपी माँ ने पूछा। इडली सांभर, बच्चे ने जवाब दिया। अच्छा, बीवी ने कहा। हाँ, यहाँ के कैंटीन में क्या डिलीशियस इडली बनाते हैं, लड़के ने कहा। अच्छा, मैं जो इतनी दफा तेरे लिए ब्रंच लाई उसकी तो कभी तारीफ नहीं की थी, वात्सल्य भाव हवा हो चुका था। बीवी अब रौद्र रूप में थी। खुद बेबी, लड़के ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। इट्स ओके, यू नो आई एम मिसिंग यू टेरिबली, बीवी की तनी हुए भवे अब विश्राम की मुद्रा में। मी टू बेबी, लड़के ने सावधान की मुद्रा वाला जवाब दिया। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल सरप्राइज, बीवी अब लाइन पर आई। एंड व्हाट इज दैट, लड़के ने पूछा। कीप मिसिंग एंड गेसिंग, बीवी ने कहा और मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया। बीवी के और लड़के के कमरे के बीच एक फ्लोर और 13 कमरे थे। रात में लड़के और लड़कियों के खाने का समय अलग अलग था। लड़कों को खाने के बाद लड़कियों के खाने का नियम ग्रुप सुपरवाइजर ने बनाया था। बीवी जब रात के खाने के समय मैस में घुसी तो उन्होंने अपने इमरान को आकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा। मैस में महज चेहरा दिखाकर बीवी जो गायब हुई तो सीधे लड़के के कमरे में दिखी। दरवाजा खोलते ही लड़के की सिट्टी गुम हो गई। बीवी ने उसे बेड पर धकेला, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लड़के ने अपने बाप जन्म में भी ऐसी सरप्राइज की कल्पना नहीं की थी। अब उसकी पिट्टी भी गुम हो गई। लड़का टी शर्ट पहनने को उठा तो बीवी ने उसे फिर बिस्तर पर धकेल दिया। लड़का बिस्तर पर भुनियों के बल लेटा रहा, उसके चेहरे की हवाई जहाज उड़ गए थे। बीवी कदम कदम चलते हुए शरारत भरी नजरों से देखते हुए बिस्तर तक आ गई। उनके हाथ में हाथ भर की एक छड़ी भी थी। बीवी टीचर खेलने के मूड में थी। सो यू डिडंट कंप्लीट योर होमवर्क यू नॉटी बॉय, बीवी ने दरस्ती आवाज में कहा। लिसन बीवी, लड़के ने बीच में अपनी बात खत्म की। कॉल मी टीचर यू नॉटी बॉय, बीवी ने फिर से फैंटेसी भरी आवाज में लड़के को कंधे पर छड़ी से मारते हुए कहा। ओए मां, लड़का सिसक कर उठा। ओए मां, मेरा इमरान ऐसे क्यों बोल रहा है, बीवी ने सोचा।
बीबी को फैंटेसी एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन फिर उन्हें लगा छड़ी जरा ज्यादा ही जोर से चल गई। बीबी छड़ी छोड़कर घड़ी देखने लगी। उन्होंने महसूस किया कि फैंटेसी में समय निकला जा रहा है, इसलिए वो तेजी से बिस्तर पर कूद आई। बीबी ने जैसे ही अपनी तर्जनी से लड़के के कान के पीछे फैलाया, लड़का अपने कोट काटने लगा। बीबी का सारा उन्माद काफुर होने लगा। पहले तो बीबी को लगा कि लड़का फर्स्ट हैंड है और शर्मा रहा है, इसलिए जब लड़के ने हिचक दिखाई तो बीबी ने ही पहल की। मगर थोड़ी ही देर में बीबी ने देखा कि लड़का वैसी सिसकारियां ले रहा है जैसी बीबी को लेनी चाहिए, तो बीबी परे भिड़ गई। लड़के ने बीबी को हटता दे नजरों से बुलावा देते हुए कहा, कम ऑन टाइगर। बीबी हैरान है, उसने बिखरे बालों को समेटा, चूड़ा बनाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम जाकर अपने चेहरे को देखा, उन्हें थोड़ी देर पहले का उन्माद याद आया। याद करते ही उन्हें उबकाई सी आ गई। अब उनकी समझ में आया कि उनके इमरान के पुल्डिंग में थोड़ा सा स्त्रीलिंग भी है। वह थोड़ी दूर गई, जाकर माउथ वॉश किया और फिर लौटी। लड़का चादर में सिमटा हुआ था। बाथरूम जाकर फ्रेश हो ले, बीबी ने कहा। लड़की ने अनमनी सी आवाज निकाली तो बीबी ने चिल्लाकर जल्दी कर। चादरों में लिपटा ही जब लड़का बाथरूम की तरफ बढ़ा तो बीबी ने उसकी चाल को निहारा। अब उन्हें एहसास हो गया कि लड़के के गिलास पर स्त्रीलिंग में चम्मच भर पुल्लिंग है। बीबी भावनात्मक रूप से टूटी, पर अभी लड़के को तोड़ना बाकी था। बीबी छड़ी लेकर फिर बाथरूम में घुस गई। लड़के ने आगामी रोमांच के लिए बाथरूम खुला रख छोड़ा था। बाथरूम में ही बीबी ने उसे हड़काते हुए पूछा, आर यू गे? वेल नॉट एग्जैक्टली, बट यू कैन से यस, इमरान हाशमी मुझे भी पसंद है। लड़के ने अब पूरी नजाकत से कहा, फाइन, तो बहन चो तू मेरे साथ क्या कर रहा था? बीबी का मिजाज बबू और जुबान नीम हो जा रही। यू नो ना, मम्मा ये सब लाइक नहीं करती, सो ओल्ड फैशन, उन्होंने कहा लड़कियों से दोस्ती कर। लड़के ने अपना दुखड़ा सुनाया, तेरी माँ की। बीबी ने अपनी हथ पार देखी, बस बीच की उंगली दिखा दी। लड़का चादर में सिमटा बैठा था। जाते जाते भी बीबी फिर लौटी और उसे बिना गिरे छड़ी रसीद दी। लड़का आउच आउच करता, बीबी उसी रास्ते वापस हॉस्टल आ गया। दुर्घटना चूंकि परीक्षा से ठीक पहले हुई थी, इसलिए बीबी का बाल मन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्होंने 12वीं की परीक्षा छोड़ दी, अगले साल प्राइवेट से परीक्षा दी और जैसा कि होता है अच्छे नंबर नहीं आए। बीबी अपने दोस्तों के सीनियर हो जाने के कारण कई दिनों तक साथ में रही। एक साल घर से ना निकलने के बाद कुछ सामान्य हुए। अब वक्त भरने के लिए होम साइंस से ग्रेजुएशन करती है और जख्म भरने के लिए सिल्विया प्लॉथ की कविताएं पढ़ती है। बस में दूसरी औरतों तक के लिए लेडी सीट खाली और ऑटो वालों के लिए शीशे सीधी कराती रहती है। मर्द जैसी किसी भी जात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन ऐसा तभी तक संभव है ना जब तक बीवी साहब से ना मिली हो। वैसे भी कहते हैं कि प्रेम पानी और प्रयास की अपनी ही जिद होती है और अपना ही रास्ता। उस दिन भी जब हम कमरा लेने बटुक शर्मा के घर पहुंचे थे तो दूसरे कमरे के झीने पर्दे के पीछे से परिधि राहुल मिश्रा को बड़े गौर से सुन रही थी। राहुल मिश्रा ने भी उसे सुनते हुए देखा था। फ्रिक्वेंसी मिल रही थी और राहुल मिश्रा के शब्दों में फ्रिक्वेंसी मिल जाए तो टावर पकड़ ही लेता है। तो दोस्तों, ये था सत्य व्यास की लिखी कहानी दिल्ली दरबार का दूसरा भाग। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल सिद्धि व्यास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।